दोस्तों, सऊदी अरब ने सोमवार को घोषणा की है कि इस साल के हज के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी। अरब न्यूज से देश के हज मंत्री और उमराह तौफीक अल रबिया का हवाला देते हुए बताया, हज एफ को 2023 में बोलते हुए तौफीक अल रबिया ने कहा है कि इस वर्ष हज में भाग लेने वाले लोगों की संख्या पूर्व महामारी के स्तर पर वापस आ जाएगी और इस वर्ष हज तीर्थयात्रियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी। हज व उमरा मंत्री तौफीक अल रबिया ने कहा है कि उमरा वीजा अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है। हज उमरा वीजा पर आने वाले लोग देश के किसी भी शहर का सफर कर सकते हैं। हज मंत्री ने कहा है कि 2023 से दुनिया भर की हज एजेंसियों को ऐसी किसी भी कंपनी से अनुबंध करने की इजाजत होगी जो अपने देश के हज यात्रियों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने वाली परमिट धारक हों। दोस्तों, अरब न्यूज़ ने बताया कि 2023 में तीर्थयात्रियों में लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। हालांकि कोरोना महामारी के प्रसार के कारण तीर्थयात्रियों की संख्या अगले 2 वर्षों के लिए कम हो गई थी। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार इस साल हज करने के इच्छुक देश में रहने वाले लोग तीर्थयात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि स्थानीय निवासियों के लिए हज पैकेज की 4 श्रेणियाँ उपलब्ध होंगी। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार तीर्थयात्रा के लिए आवेदन करने वाले लोगों के पास जुलाई के मध्य तक वेग राष्ट्रीय निवासी पहचान होनी चाहिए। तीर्थयात्रियों के पास कोविड-19 और मौसमी इन्फ्लुएंजा टीकाकरण का परिणाम होना चाहिए।